वेलकम टू अवर मॉम्स कॉर्नर। आज हम बनाएंगे मैकरोनी पास्ता। उसके लिए हमने पास्ता लिया है और शिमला मिर्च ली है। तीन कलर हैं इनके, ग्रीन, येलो और रेड, और थोड़ी सी गाजर ली है। तो सबसे पहले हम पास्ता को उबाल लेते हैं। देखिए, एक पैन में हमने यहाँ पे पानी लिया है, पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और जो हमारे पास्ता हैं इनको उबालेंगे। बस ये 2-3 मिनट के लिए इनको ऐसे ही उबालना है। देखिए, 3 मिनट इसे हो गए हैं। अब जो ये पक गया है अच्छे से, इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत तो 10% अगर रह भी गया है तो थोड़ा सा हम फिर से भी पकाएंगे, उसे पक जाएगा। वैसे 90% ये पक चुका है। लीजिए, हमने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच घी। इसमें डालेंगे 1 छोटा प्याज है, छोटा छोटा काट कर मैंने इसे इसमें डाल दिया है। इसे भूरा होने तक पकाएंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अब डालेंगे 1 मिर्च है मेरे पास हरी कटी हुई, उसे भी डाल देंगे। अब टमाटर डालेंगे, 1 टमाटर है मेरे पास यहाँ पे चॉप किया हुआ। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा मैकरोनी में। और थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था तो थोड़ा सा नमक हम स्वाद के अनुसार और लेंगे। देखिए, मसाले ने अच्छे से घी छोड़ दिया है। अब हम जो वेजिस हैं वो मिलाएंगे। शिमला मिर्च है हमारे पास 3 तरह की और 1 गाजर की, छोटी छोटी हमने उसे काट लिया था। अब इनको पकाएंगे इसमें। देखिए, मिर्चें जो हैं, जो हमने डाली थी वो 50-60% पक चुकी हैं। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना होता। अब हम इसमें जो हमारा पास्ता है उसे डाल देंगे। इसे पकने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पहले भी हमने इसे उबाल लिया था पास्ते को। तो टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम शेजवान सॉस जो है 1 चम्मच वो डालेंगे और 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे और 1/2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस। बहुत ही टेस्टी ये मैकरोनी हमारी बनेगी, मैकरोनी पास्ता। देखिए, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेयोनीज। इससे बहुत ही अच्छा इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी सी इसके ऊपर बन गई है। मसाले अच्छे से ऊपर लग चुके हैं पास्ता के। बहुत ही खूबसूरत ये दिखने में भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। मैकरोनी पास्ता बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।